आप सभी आम लोगों को नमस्कार। दोस्तों, आज हम जिस आम के बारे में बात करने जा रहे हैं वो आम नहीं है, काफी खास है। वो है लंगड़ा आम। ये खास क्यों है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लंगड़ा आम पकने के बाद भी एकदम हरा रहता है, तो कैसे पता करें कि ये पक गया है? इसमें आपको खुशबू आएगी मीठी मीठी, और थोड़ा सा आप इसे दबा कर देखिए, ज़्यादा ज़ोर से मत दबाइएगा वरना दुकान वाला चिल्लाएगा। लंगड़ा आम सबसे ज़्यादा उगाया जाता है उत्तर प्रदेश में, बनारस में। चलिए अब इसे काट कर देखते हैं। ये देखिए एकदम ब्राइट येलो। अब देखते हैं इसका जूस कंटेंट। रेशे इसमें ना काफी ज्यादा है ना काफी कम है, और जूस भी अच्छी मात्रा में है। चलिए अब लंगड़ा आम को टेस्ट करके देखते हैं। लंगड़ा आम बहुत ही मीठा है और इसका अपना एक शानदार टेस्ट है जिसके लिए जाना जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आम क्यों नहीं है और खास क्यों है। दोस्तों, आज से करीब 250-300 साल पहले बनारस में एक व्यक्ति थे जिनके पैर में कुछ तकलीफ थी, और आसपास के लोग उन्हें लंगड़ा लंगड़ा कहकर पुकारते थे। उन्होंने सबसे पहले ये आम उगाया था और उन्हीं के पीछे इसका नाम लंगड़ा पड़ा। तो आज लंगड़ा आम इतना फेमस हो चुका है कि लोग बोलते हैं आई लव लंगड़ा, लंगड़ा इज माई फेवरेट। तो आप देखिए कि किस तरह से कई बार हम लोगों का किसी कारण से मजाक उड़ाते हैं, कभी लंगड़ा कहकर मजाक उड़ाते हैं, लेकिन इस आम ने उन व्यक्ति को और लंगड़ा नाम को इतना फेमस कर दिया कि आज लोग लंगड़ा खाने के लिए दीवाने हैं। तो लंगड़ा आम हमें एक बहुत ही अच्छी सीख देता है कि हमें कभी भी किसी की कमी का इस तरह से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दोस्तों, लंगड़ा आम हमें एक सीख और देता है कि हमें कभी भी किसी के बाहरी रूप रंग पर नहीं जाना चाहिए। जैसे लंगड़ा बाहर से दिखता एकदम हरा भरा कैरी के जैसा है, लेकिन अंदर से कितना पीला और कितना मीठा होता है। चलिए इस आम से यही सीख लेते हुए आप इसे एंजॉय करिए। फिर मिलते हैं अगली बार किसी दूसरी वैरायटी के साथ। नमस्ते।